जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में पांचवा दिन है और आज पप्पू माली राष्ट्रीय सचिव अपना दल के द्वारा मेरा अमरण अनशन तोड़वाया जा रहा है। मैं सरपतहा थाना के पट्टी नरेंद्रपुर गांव में 29 अगस्त की रात पिकअप UP 62T 95 92 25 की 4 लाख उस पर लदा किराना का सामान अर्जुन सिंह की दुकान से चोरी हो गया था, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। उस पर अर्जुन सिंह के क्षेत्रवासियों ने मुझे खोजा और मैं इस समस्या से अवगत हुआ। मैं गंभीर समस्या समझा तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिसमें सुनवाई नहीं हो रही थी। तो 18 सितंबर से मैं यहां अनिश्चितकालीन अमरण अनशन पर बैठ गया। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और एक चोर पकड़ लिया गया है। अभी सुबह हमारे पास थानाध्यक्ष सरपतहा आए हुए थे और उन्होंने कहा अभी गाड़ी नहीं पकड़ी गई है, लेकिन मैं शीघ्र गाड़ी पकड़ करके माल पकड़ करके दे दूंगा और आप अपना आमरण अनशन तोड़ें। मैं आमरण अनशन तोड़ रहा हूं। मेरा SDM शाहगंज ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्दी शीघ्र ही आमरण अनशन तोड़िए, हम समस्या का समाधान करेंगे। CO शाहगंज ने कहा हम समस्या का समाधान करेंगे और CO सदर ने कहा कि हम शीघ्र ही समस्या का समाधान करेंगे। जिलाधिकारी कार्यालय ने कहा कि हम शीघ्र ही पहुँच चुके हैं, समस्या का समाधान करें। आज मैं ESP साहब से भी मिलने गया। ESP साहब मुझे देख करके क्रोधित हो गए और बोले कि आप हर काम में आमरण अनशन करते रहते हैं, मैं आपके ऊपर कार्रवाई करूंगा, आप सरकारी काम में बाधा डालते रहते हैं। मैंने कहा जनता का काम है, फायदा भुक्तभोगी को नहीं मिल रहा था, उसका काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आमरण अनशन किया और अब काम शुरू हुआ है। फिर भी SP ने कहा कि मैं थाना पर सटी से कह करके कार्रवाई करूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं कार्रवाई, हम नेता लोग हैं कार्रवाई लेते हैं, ये हमारे लिए उपहार स्वरूप होता है। हम नेता अगर कार्रवाई से डर गए तो नेतागिरी नहीं करेंगे, देश चौपट हो जाएगा। इसलिए हम लोग किसी अधिकारी से डरते नहीं हैं, जिसको जो करना है करिए, हम अपना नेता लोग अपना काम करते रहेंगे, हम रणभूमि में डरते रहेंगे, ये देश हमारा है। चोरों का भरमार है जिला जौनपुर में, चोर हर थाने में उपद्रव मचा रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, थाना सब असफल है और थाना के सहयोग से ही चोरी फोरी हो रही है और सारे पैसे पुलिस वाले चोरों से लेते भी हैं। तो इस तरह से UP सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंस पर बात चल रहे हैं, तो जीरो यहाँ देहात में कोई कुछ नहीं लागू है, सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हो चुके हैं और बोलने पर हम नेताओं के ऊपर भी बिगड़ जा रहे हैं, कार्रवाई करेंगे। इस तरह से हम नेता लोग डरते नहीं हैं, हम कार्रवाई करेंगे तो हम उसका सामना करेंगे। आज पप्पू माली जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये सब खबर अखबार में सुना और प्रतिज्ञा किया कि मैं आज अपना आमरण अनशन तोड़वाता हूँ। इसलिए मैं अपना दल राष्ट्रीय सचिव को धन्यवाद देता हूँ, अपना दल को धन्यवाद देता हूँ, सारे नेताओं को धन्यवाद देता हूँ, हमारे साथ बड़े हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और हमारे साथ अर्जुन सिंह आए हुए हैं पट्टी नरेंद्रपुर, अर्जुन सिंह जी आए हुए हैं पट्टी नरेंद्रपुर से और इन्हीं का 4 लाख का सामान और पिकअप चोरी हुआ है और इन्होंने पट्टी नरेंद्रपुर बाजार में धरना प्रदर्शन किया था। पीड़ित परिवार हैं हमारे साथ, हमसे भी आग्रह कर रहे हैं, ज्ञान है तो जहान है, आप आमरण अनशन तोड़िए, इसलिए हम आमरण अनशन तोड़ते हैं। पप्पू माली जिंदाबाद, समस्त समाज जिंदाबाद और हम समस्त पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं। LI SIO के समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ जो जिले की कार्यवाही सकुशल संचालित कर रहे हैं। ये अधिकारियों के बस का नहीं है, LI SIO ही चला रहा है जिला और बड़े कठिन परिश्रम से ये जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। LI SIO को धन्यवाद देता हूँ और इन जिला के समस्त अधिकारियों को चेतावनी देता हूं कि जनता की आवाज़ बड़ी सफलता से सुने, नम्रता से सुने, जैसा योगी जी का आदेश है। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ एथिक का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है।